माँ बाप मैं नहीं, माँ बाप हम सब लोग ये सहयोग करें कि हमारी बच्चियाँ आगे बढ़ सकें, और ये सिर्फ नारा न रहे। इतने नारों वारों को पीछे छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये सब जो कई बार होती है। हमें सरकारों को और शहर के नागरिकों की दृष्टि से, देश के नागरिकों की दृष्टि से इन बच्चों के पीछे खड़े होना है, इनको लीडर बनाना है। करेक्ट करना चाहूँगा कि हम सब यहाँ नागरिक की हैसियत से आए हैं, किसी लीडर की हैसियत से नहीं। ये बच्चे ही हमारे लीडर हैं, यही हमारा भविष्य है। मेरी बिटिया चैंपियन के नाम से यहाँ पर एक मुहिम शुरू हुई है कि भाई बेटियों को खेलों में प्रोत्साहन मिले, और रग्बी एसोसिएशन की तरफ से कार्यक्रम हुआ है, और जितने लीडर्स हैं जो जनप्रतिनिधि हैं अपनी अपनी पार्टियों के, और वो यहाँ पर पधारे हैं सब लोग। भाजपा से हमारे साथ मौजूद हैं श्यामवीर सैनी जी, हैं पूर्व प्रत्याशी यहाँ पर रहे हैं ये कलिया विधानसभा से। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सैनी जी, लेकिन कहा है भाई पार्टी का नाम ना लो, लेकिन हम फिर भी ले रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी एक और लीडर हैं राजेंद्र चौधरी जी, और सर हमारे साथ हैं सर का सोमदत्त सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कोच हैं आयुष सैनी जी, उनके पिताश्री हैं। श्यामवीर सर सीनियर हैं सबसे, और शुरुआत करेंगे हम आप ही से, क्या कहेंगे सर? ये रग्बी एसोसिएशन जिसके कोच आयुष हैं, इन्होंने जो ये काम दिया है, जो थीम बनाई है हमारी चैंपियन बिटिया, इसके माध्यम से बच्चियों को के स्वास्थ्य में सुधार रखते हुए और खेल के प्रति आकर्षित करना मुख्य इनका उद्देश्य है। और रग्बी को उत्तराखंड में पहचान देनी है, रग्बी का नाम है लेकिन उत्तराखंड में इसकी कोई टीम नहीं थी, कोई कोच नहीं थे। भाई आयुष ने इस खेल को पहचान दी है और इसकी पूरे उत्तराखंड में इसके लिए प्रयास कर रहे हैं जगह जगह जा जा कर, और मेरी आज इस अवसर पर जो इन्होंने इस बच्चियों के माध्यम से इसको प्रोत्साहित किया है बालिकाओं को, ये अच्छी शुरुआत है और मेरी इनके लिए बहुत बहुत शुभकामना। प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर क्या कहेंगे और किस तरीके से बढ़ावा आप दे रहे हैं, वो भी रग्बी खेल को जो भारत में लोग नहीं इतना जानते, रुड़की में भी नहीं बेसिकली जानते, और इस खेल को आप बढ़ावा देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरीके से लेके जाएंगे आप आगे, क्योंकि संयोजक भी शायद हैं कहीं ना कहीं आप? मैं संयोजक नहीं हूँ, मैं बच्चों का एडवाइज़र हूँ, और सबसे पहले मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि हम सब यहाँ नागरिक की हैसियत से आए हैं, किसी लीडर की हैसियत से नहीं। ये बच्चे ही हमारे लीडर हैं, यही हमारा भविष्य है। जहाँ तक खेल की और इसकी बात है, ये बच्चे मेरे पास आए थे तो मैं पहले भी इनके प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ, उसमें जो बच्चियों को प्रमोट करने की बात थी उसके लिए बच्चे कहने लगे कि कोई ऐसी टैग लाइन होनी चाहिए, तो इन बच्चों ने मिल के सब ने जो है एक टैग लाइन बनाई, जिसमें मैं भी एक छोटा सा हिस्सा मेरा भी था कि मेरी चैम्पियन बिटिया के नाम से। तो रग्बी टीम ने, रग्बी एसोसिएशन ने ये बेड़ा उठाया है कि ये जो मेरी चैंपियन बिटिया कैंपेन है इसको आगे बढ़ाएंगे, और मेरा ऐसा मानना ये है कि इनके साथ बाकी सारे स्पोर्ट्स की एसोसिएशन जुड़ती चली जाएंगी जो बेटियों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना चाहती हैं। अब ये फोर्थ क्लास की बच्ची है, ये अपनी टीम की, रग्बी टीम की कैप्टन है। अब आप इस उम्र से बच्चों को जब कैप्टनसी का और लीडरशिप का और ये सब पार्ट पढ़ाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये भविष्य के सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, स्पोर्ट्स में, इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, सोशल साइंस में, टेक्नोलॉजी में, ये बच्चे सब जगह लीडर बनने वाले हैं। और इसमें भाई बहन जितने हैं इन सब का बहुत योगदान रहेगा, क्योंकि हम ये समझते हैं आज का ज़माना बहुत भक्षक जैसा हो गया, ये जो गेम्स की स्पिरिट है इसमें रक्षक जैसी जो वीरता की जो स्पिरिट है इन बच्चों के अंदर आनी चाहिए। और रग्बी गेम की मैं इसलिए तारीफ करना चाहता हूँ, इन्होंने सबसे हार्ड गेम चुना हुआ है कि जब हम भागते हैं ना तो किसी से पूछोगे पैरों में दर्द हो गया, सांस फूल गया, ये वो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दर्द होता है वो जिगर में होता है, जहाँ से जिगर से, लीवर से एनर्जी आती है भागते दौड़ते।
तो ये जो बच्चे हैं इन्होंने वो चीज़ चुनी है जहाँ से जिगर से सीधे सीधे जिंदगी में अपना नारा देना चाहते हैं, यहाँ से कलकत्ता तक मेरी चैंपियन बिटिया के नाम से मेरी बहुत बहुत बधाई रग्बी एसोसिएशन को यहाँ पर। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, सवाल ये है मेरा कि बेटियाँ और रग्बी जैसे स्पोर्ट्स और बेटियाँ दोनों ही भारत में नारे हमेशा लगते रहे हैं, सरकारें हों तमाम लोगों नारे तो भले ही लगते रहे हैं, लेकिन आज भी हम लोग 21वीं सदी में और आज़ादी के इतने साल बाद भी हम यही बात कर रहे हैं कि भाई बेटियों को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, ये चिंता का विषय नहीं मानते आप? एक इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, एक बच्चे ने पीछे यहाँ वो लिया हुआ है अपना थीम बनाई है उसने अपने पोस्टर में कि जो उसके बच्चे के ऊपर उसने लेफ्ट साइड में लड़कियों को दिखाया हुआ कि घर के काम की क्या परेशानियाँ रहती हैं, और उसके बाद राइट साइड में उसने दिखाया है कि वो जो है कैसे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने की उनमें काबिलियत है। तो मेरा ऐसा मानना यह है कि ये इन बच्चों को तभी बढ़ावा मिल सकता है जब हम सामाजिक बदलाव लाएं और हम माँ बाप मैं नहीं, माँ बाप हम सब लोग ये सहयोग करें कि हमारी बच्चियाँ आगे बढ़ सकें, और ये सिर्फ नारा ना रहे, इतने नारों वारों को पीछे छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये सब जो कई बार होती है, मैं सरकारों को और शहर के नागरिकों की दृष्टि से देश के नागरिकों की दृष्टि से इन बच्चों के पीछे खड़े होना है, इनको लीडर बनाना है। और मेरी आपको एक और सलाह है जिसमें आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। मैं इन बच्चों में ये देखता हूँ कि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत बार खेलते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, यदि आप इनके सामने रोज़ कभी ना कभी माइक लेके खड़े रहेंगे इनके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा आपके द्वारा भी ये बच्चे स्पोर्ट्स में टॉप की पोजीशन पे जाएंगे, ऐसा प्रण आप भी यहाँ से लेके जाइए सारे मीडिया के लोग। हम भी ये प्रण लेके जा रहे हैं कि भाई हम भी सपोर्ट करेंगे। राजेंद्र सर हमारे साथ हैं, सर किस तरीके से देखते हैं दोनों, मेरा सवाल वही होगा, दोनों ही चुनौती भरे रहे हैं चाहे रग्बी हो और बेटियां, तो दोनों ही ये नारे बड़े लगते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं इसके ऊपर? इस नारे को सफल बेटियां ही बनाएंगी, हम और आप सिर्फ उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं और माता पिता भी, अगर इन बच्चों का मानसिक रूप से मन तैयार रहेगा तो ये इस नारे को सफल बनाएंगे, क्योंकि बहुत से देशों में ये नारा सफल हुआ है। लेकिन आज भी हम लोग इक्वालिटी कह तो रहे हैं कि भाई इक्वालिटी आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, इक्वालिटी है सबके लिए, लेकिन वो दिख नहीं रही है रियलिटी में। ये दिखाने की जिम्मेदारी तो आप लोगों की है, हमारी तो करने की है, लेकिन हो नहीं रही ना सर, लीडर भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, तो यहाँ बैठे हैं आपके सामने आप ही तो बैठे हैं सर, लीडर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, ये तो मानेंगे आप? नहीं नहीं, जिम्मेदार हम भी हैं और आप भी हैं, लेकिन कभी वो कहा किसी ने कि देरी सही जब भी शुरुआत हो जाए तभी अच्छा है, आज हमें और आपको ये प्रण करना चाहिए कि हम बच्चियों को बेटियों को चैंपियन बनाएंगे, बेटियों को चैंपियन बनाएंगे, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही। सर हमारे साथ हैं जो कि कोच हैं यहाँ पर आयुष सैनी, उनके पिता हैं। सर मेरा सवाल यही होगा, रग्बी खेल रहे हैं आयुष सैनी यहाँ पर, डर नहीं लगता आपको कि भाई एज अ करियर वो ले रहे हैं इसको? देखो मैं उस परिवार से जन्म ले आया कि हमारा परिवार डरता ही नहीं जी, पहली बात ये ठीक नहीं जी, किसी भी कोई समस्या कठिन आ जाए हम कभी डरे नहीं है, और मैंने अपनी छूट रखी है हर तरह से, कहीं भी किसी तरह की दिक्कत ना मानिए, और सब बच्चों को अपना मानते हैं, अपने बहन बेटे मानते हैं, इन्हें आगे बढ़ाना है बेटियों को पूरे उत्तराखंड के अंदर। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा भाई, जो खेल है रग्बी और इसके साथ और भी कई खेल हैं, हमारे देश में सिर्फ क्रिकेट देखा जाता है, और जो खेल है बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं, वो फाइनेंशियली भी हो सकता है भाई, फाइनेंशियली भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप इनको मोटिवेट करते हैं रग्बी खेलने के लिए और सिखाने के लिए भी? मैंने इन्हें हर तरह की छूट दे रखी, धन बल पैसा जो भी किसी तरह चाहता है सब लोग सहयोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, और जितनी भी मतलब मेरी टीम है बच्चों की टीम है ये पूरा सहयोग कर रही है, और मैं भी अपनी तरफ से जितना भी मेरे पास हो सकेगा मैं उससे ज्यादा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए आप सभी लोगों का। यहाँ पर भाई इन्होंने कहा है कि भाई पहले तो डर को शायद दूर रखना होगा तभी ऐसे खेल आप खेल पाएंगे, और सामने आना होगा तभी इन खेलों को बढ़ावा मिलेगा, शायद ये बहुत जरूरी भी हो जाता है हम सब लोगों के लिए कि भाई इससे इक्वालिटी भी आए, बेटियों को प्रोत्साहन मिले, और जो रग्बी जैसे खेल हैं उनको भी बढ़ावा मिले और खेलों की तरह। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पेज पर प्लीज शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आप लोगों की जिम्मेदारी भी शायद बढ़ जाती है ऐसे खेलों को बढ़ावा देने की, तो शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरा पर हमारे साथी जय सिंह राजपूत, बने रहिए न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।